नमस्ते, अक्षी बिलोरिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की प्रांत मंत्री। आज का जो प्रदर्शन है वो एक बहुत ही निंदनीय घटना जो हमारे IIM जम्मू में हुई है उसको लेकर के हुआ, और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम IIM के एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करते हैं कि जो हमारे ध्यान में विषय आया कि आपका जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट का एग्ज़ाम होता है उस दौरान चेकिंग के नाम पे जो है फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स दोनों के साथ ही जो है बर्बरता की गई, फिजिकल हरासमेंट की गई और मेंटल हरासमेंट भी उनको इसकी वजह से हुई है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होने के बावजूद, नेशनल इंस्टीट्यूट होने के बावजूद पूरे देश भर से यहाँ पे जो है पढ़ने के लिए विद्यार्थी आता है, और इस तरह का बिहेव उनके साथ होना जो है अपने आप में एक शर्मनाक बात है। वो भी जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना जो है हमारे सामने पहली बार आई है। तो जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक कड़ी सज़ा दी जाए और इस मुद्दे की जो है सुनवाई की जाए। इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया और यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि जिन भी कैंडिडेट्स के साथ, विक्टिम्स के साथ ये हुआ है उनको न्याय मिल सके। फीमेल कैंडिडेट्स के साथ भी जो है ऐसी फिजिकल हरासमेंट जो है वो हुई है, और ये सुनने में आया है कि फीमेल कैंडिडेट्स को वॉशरूम में जा करके जो है बहुत इनअप्रोप्रिएट वे में उनके साथ जो है छेड़छाड़ की गई है इन द नेम ऑफ चेकिंग। तो चेकिंग के खिलाफ विद्यार्थी परिषद नहीं है, वो राइट है कि आप लोग चीटिंग रोकने के लिए या जो भी नॉर्म्स हैं, परंतु चेकिंग अगर आपको करनी है तो एक कैंडिडेट की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए जो है वो चेकिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप चेकिंग के नाम पे उनको फिजिकली असॉल्ट करें, उनको मेंटली हरास करें। तो ऐसा ये जो विषय हमारे ध्यान में आया था उसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सेंसिटिव इशू है इसलिए हम लोग ज़्यादा इसको बवाल नहीं कर रहे हैं। एक चेतावनी जो है वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं कि आप अपने एंड पे जो है इस इशू को जो है वो सॉल्व करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद ने आज एक संकेतिक प्रदर्शन आपकी आंखें खोलने के लिए जो है वो किया है। अगर आप इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन आप ही के गेट के सामने करेंगे।